अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? आज की ये वीडियो आप सब के लिए है, ठीक है। और ये वीडियो है कुरान पाक के बारे में, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है उसमें होंगे कुरान पाक के बारे में आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये बताएं कि कुरान पाक किसकी किताब है? कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है। और कुरान पाक कौन से नबी पर नाजिल हुई? कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अच्छा, अब ये बताएं कि कुरान की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? ये तो सबको पता होगा ना? जी बिल्कुल, सूरह कौसर। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। और सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरतुल बाकरा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि ऐसी कौन सी दो सूरतें हैं जो एक साथ नाजिल हुई थी? सूरत फलक और सूरत नास, ठीक है। ये दोनों सूरतें एक साथ नाजिल हुई। अब ये बताएं कि ऐसी कौन सी सूरत है जो नमाज के वक्त नाजिल हुई थी? और उस वक़्त कौन सी नमाज थी जिस वक़्त वो सूरत नाजिल हुई थी? पहले तो सूरत का नाम बताएं। सूरत आले इमरान। वो नमाज के वक्त नाजिल हुई थी और नमाज कौन सी थी? फजर की, ठीक है। अच्छा, हम ये बताएं कि कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं जो मुकम्मल नाजिल हुई, मतलब एक ही साथ में? वरना तो सब ऐसे पार्ट्स में हुई थी ना, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जो एक ही साथ नाजिल हो गई थी, ठीक है। आप उनकी तादाद बता दें, नाम बताना तो मुश्किल होगा ना, तादाद बता दें कितनी है? 8 सूरतें, ठीक है। अच्छा, कुरान पाक में एक सूरत ऐसी भी है जो किसी जानवर के नाम पर है, उस जानवर का नाम बताएं। गाय। जी, सूरत अल बाकरा जो है वो गाय के नाम पे है, ठीक है। बकरा का मतलब होता है गाय। अच्छा, कुरान पाक में कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ मदनी हैं। मदनी सूरतों की तादाद बताइए। 28, 28, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि कुरान पाक में लफ्ज़ सूरत कितनी बार इस्तेमाल हुआ? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। अच्छा, कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? 114, ठीक है। 114, ठीक है। कुरान में कितने सजदे हैं? 14, 14 सजदे, ठीक है। अच्छा, कुरान करीम में आयात कितनी है? 6666, 6666। अब ये बताइए कि कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? 7। कितनी? 7। अच्छा, एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, कुरान पाक में कुल कितने पारा हैं? सबको पता है ना? मुझे भी पता है, 30। अच्छा, पहली सूरत कौन सी है, ये कौन बताएगा? पहली सूरत कौन सी है? बहुत आसान है, सूरत फातिहा। और आखिरी सूरत? सूरतुन नास, ठीक है। अच्छा, कुरान पाक में ऐसी जगह भी है जहाँ पे हम रुकते हैं, स्टे करते हैं, जिसको वक्फ बोलते हैं। वक्फ कितने हैं? 5098, 5098। अच्छा, कुरान पाक में अल्फाज कितने हैं, कुल कितने वर्ड्स हैं? 77,701, ठीक है। कितने हैं? 77,701। बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है कुरान पाक में? 114 बार, ठीक है। कितनी बार? 114 बार। अच्छा, ऐसी कितनी सूरतें हैं जो बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं? 130 सूरतें, ठीक है। कितनी हैं? 130। और सूरत तौबा ऐसी है जो कि बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। अच्छा, कुरान पाक में जो है पीने वाली चीज़ों का जिक्र किया गया है, लेकिन एक ऐसी पीने वाली चीज़ है जो बहुत बेहतरीन करार दी गई है, जिसको बहुत बेहतरीन और स्पेशल बोला है कुरान पाक में। वो कौन सी पीने वाली चीज़ है? वो है दूध, मिल्क, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक ऐसी चीज़ को नापसंद फरमाया है जो है तो हलाल, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको नापसंद फरमाया है। आपको पता है वो कौन सी चीज़ है?
तलाक, तलाक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आंसर क्वेश्चन आपने याद करने हैं, याद करके अपनी मम्मा को सुनाने हैं। ठीक है, मम्मा भी बहुत हैप्पी होंगी और जब आप ये याद करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास कितने सारा नॉलेज है ना, बहुत सारा, मैथ के बारे में, इंग्लिश के बारे में, साइंस के बारे में, लेकिन अल्लाह की प्यारी किताब के बारे में नॉलेज नहीं है, कितनी बुरी बात है ना। तो आज से हम कुरान के बारे में भी नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।